रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना लाइसेंस, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। छनी चल मेरे पुत्र, चल 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 चल, शाबाश शाबाश, चल चल चल। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था, उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर वन था। ओए अब्बू ते छन्नी दी बल्ले बल्ले, ओए बाकी सारे थले थले। वो कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था, उसके लगे बंधे ग्राहक थे। ओए अब्बू गांव तक ले चल यार। बनैया चल चल रास्ता ना। जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनना और हर वक्त बांका बने रहना उसका उससे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बचाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद बखुद उसकी तरफ उठ जाती। वो देखो अब्बू जा रहा है, और देखो तो सही किस ठाट से बैठा है। जरा पगड़ी देखो, शेरों की तरह। वो लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन गर्व से ऊंची हो जाती और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। उसके हाथों ने घोड़े की बांगे कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती जैसे उनको पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा लगता जैसे घोड़ा उसके इशारों के बगैर चला जा रहा है, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की जरूरत ही नहीं। कई बार तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों बस एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है, और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती है। वो सवारियां जिनको वो कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बास बद्दुआएं भी देती। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है इसका टांगा टूट जाए। यार एक बात बता, ना इसका घोड़ा बीमार होता है ना ये। यार मैं तो रोज सुबह एक ही दुआ मांगता हूँ, ये दोनों के दोनों नदी में गिर जाएं। उसके होठों पर जो हल्की हल्की मूछों की छांव में रहते थे, एक खास किस्म की मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखते ही कई कोचवान जल भुन जाते। उसकी देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए, तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया। फिर भी अब्बू के तांगे सी शान पैदा ना हो सकी, और ना ही उन्हें वो ग्राहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े के शैदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊंग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भिनभिनाई। वीरा। उसने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के पास खड़ी थी। उसने औरत को बड़ी मुश्किल नजर से देखा, मगर औरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में गुद गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग और सुतवा नाक, नाक के नथनों पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सिर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा स्टेशन का क्या लोगे? कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। क्या लोगे स्टेशन का? ओ तुझसे क्या लेना पाग भरी है, चला बैठ तांगे में। कैसी बातें करते हो तुम? ओ चला अब बैठ भी जा, और जो तू देना चाहे दे देना। चल जल्दी ले चल स्टेशन। उसने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी है तुझे सोनी है। हाय हाय तू तो
लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े की सुमो के नीचे से निकल गईं। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी? आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, ओ अल्लड़िए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा स्टेशन एक है? उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से ये भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है। वो कश्मकश में थी, दोनों का टेंशन एक हो या ना हो। अब्बू बांका सजीला तो है, क्या वो अपनी बात का पक्का भी है? क्या वो अपना टेंशन छोड़ दे? क्या सोच रही है पाग भरिए? अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। हाँ? घोड़ा मस्त खरामी से दुल्की चाल चल रहा था। ठंडी ठंडी हवा थी। सड़क के दोनों ओर उगे हुए दरख्त भाग रहे थे और उनकी टहनियां झूम रही थीं। घुंघरुओं की एक आहंग झनझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। वो गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को निगाहों से चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागे जंगले की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ आ बैठा। क्या कर रहे हो? लड़की खामोश रही। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागे मेरे हाथों में। छोड़ भी दे मेरे हाथ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अब्बू के बाजुओं में थी और उसका दिल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब्बू ने हौले से प्यार भरे लहजे में कहा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कसम ग्यारहवें पीर की, मैं तांगा घोड़ा बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे रानी बनाकर रखूंगा। कसम खुदा की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तू मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। उसने लड़की को अपनी बाजुओं के हलके से अलग किया। जाने क्या हो गया मुझे। चल तुझे स्टेशन छोड़ा हूं। नहीं, अब तू मुझे हाथ लगा चुका है। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लेगा इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर। उसका झुका हुआ सिर उठा, उसकी आंखें चमक उठी। बाघ पर ये अब्बू अपनी जान दे देगा। तो ये ले मेरा हाथ। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नाम लड़की का इनायत यानी नीति था और वो जिला गुजरात की मोचन थी। वो अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतजार करते ही रह गए और वो मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। न नीति ने चाहा, न अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा। न नीति के लिए सोने के कड़े बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीद दी और कई रेशमी जोड़े बनवा दिए। नीति के लिए ये कम न था। लश लश करते हुए रेशमी लाचे में जब वो अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंजतन पाक की, दुनिया में तुझसा सुंदर और कोई नहीं है। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में डूबे हुए थे। दोनों को गाते हंसते सैरे करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए एक महीना ही गुजर पाया था कि एकदम से एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया
और चलो है। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी। नीति के अदालत में मौजूद रहने के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सजा हो ही गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो वो अब्बू के साथ लिपट गई। नहीं, ना ले जाओ। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, तेरे घर पे बैठ कर तेरा इंतजार करूंगी। जीती रह, मैंने तांगा घोड़ा दीने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपए दे जाता जो उसकी जरूरतों के लिए काफी थे। इसके अलावा कुछ थोड़े से रुपए उसने जमा भी कर रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। ये मुलाकात बहुत ही छोटी होती। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो उसने अब्बू को जेल में सुख सुविधा की चीजें पहुंचाने में खर्च कर दी। एक मुलाकात में अब्बू ने उसके नंगे कानों की तरफ देखा और पूछा, तेरी बालियां कहां गई नीति? गुम हो गई कहीं। तू मेरा इतना ख्याल ना रखा कर, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। उसने कुछ न कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। घर पहुंचकर वो बहुत रोई, घंटों आंसू बहाती रही। उस मुलाकात में उसने बड़े जब्त से काम लिया। उसने महसूस किया कि अब्बू की सेहत बुरी तरह गिर चुकी है। वो तगड़ा अब्बू घुल घुल कर आधा रह गया। वो उसे पहचान न सकी। उसने सोचा, अब्बू को मेरा गम खा रहा है, जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी है। गम, जुदाई, जेल, जेल का घटिया खाना, जेल की कड़ी मशक्कत, इतना कुछ तो उसको मालूम था। ये मालूम नहीं था कि टीबी का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा तगड़ा था लेकिन टीबी ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। अब्बू को इस हकीकत का पता नहीं था। जब वो जेल के अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम खुदा की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना और चन्नी बेटे के सिर पे हाथ फेर के कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया, इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी, उसने सदमा बर्दाश्त कर ही लिया। वो तमाम दिन घर में तन्हा पड़ी रहती। शाम को दीना आता, 5 रुपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलते। अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं भाई भी था, मुझसे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से जरूर करूंगा। जब नीति की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लफ्जों में नीति से कहा कि वो उससे शादी कर ले। नीति के जी में आई कि वो दीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दे मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया।
पहले वो हर रोज शाम को 5 रुपए दे जाता था, अब वो कभी 4 रुपए देने लगा, कभी 3 और कभी 2 ही। 3-3 दिन गायब रहने लगा, बहाना ये कि बीमार था इसलिए तांगा जोत न सका। तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी मुश्किलों से नीति ने उससे तांगा ले ही लिया। कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझी के सुपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझी ने भी शादी की दरखास्त की। नीति ने इनकार किया तो मांझी की आंखें भी बदल गईं। थक हार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वो अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खरी खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। 8-10 रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था। घास दाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ। कोचवान थे कि कोई शादी की दरखास्त करता था, कोई उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था। नीति सोच सोच कर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना तांगा में आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वो अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वो खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वो वाकिफ थी। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती। दफ्तरों में जाने वाली औरतें, कोयले चुनने वालियां, घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं, हर्ज ही क्या है, फिर पेट तो किसी हीले से पालना ही है ना। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला कर लिया कि तांगा वो खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा भरोसा था। एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वो तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया धुलाया और खूब प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। अभी सारे कोचवान हैरत ज़दा ही थे कि वो अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवां थे जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीति के तांगे में बैठने से झिझकी, मगर चंद ही दिनों में उनकी ये झिझक दूर हो गई। अब एक मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली नहीं रहता। इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। मैं बैठूंगा नीति के टांगे में। मैंने पहले कहा था मैं बैठूंगा। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाती कि किस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था। नीति को खूब आमदनी हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता रहता है, ना उसको और ना अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझ कर तांगा जोतने का वक्त तय कर लिया। वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही। वो जानती थी कि ज्यादातर लोग सिर्फ उसके पास बैठने के लिए उसके तांगे में बैठते हैं। वो बेमतलब बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। अरे देख तो सही क्या लग रही है यार। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। बता दे मेरी जान, रात का कितना लेगी। वो अक्सर महसूस करती कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उससे खरीद लेते हैं। वो ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद वो आतुर नहीं थी। उसमें एक खास सुकून पैदा हो गया था। एक दिन शहर की कमिटी ने उसको बुलाया
और कहा, ए, तुम तांगा नहीं चला सकती। जनाब, मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा और घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा, और औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस मिल नहीं सकता। हुजूर, आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर ले, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती। औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती? मुझे और कोई काम करना नहीं आता। तांगा घोड़ा मेरे शौहर का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर, आप मुझ पर रहम करें, आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, बताइए ना मुझे, बताइए। अरे जाओ, बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहां कमाई ज्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी जलकर राख हो गई। उसने हौले से अच्छा जी कहा और चली गई। उसने औने पौने दामों तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वो खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। फिर अपने बिछे हुए होंठ के साथ अब्बू की कब्र की तरफ मुड़ी और कहा, अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।